स्पेशली फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आंकड़े बताते हैं कि 20% प्रेगनेंसीज फीवर की वजह से खत्म हो जाती है, उनको मिसकैरेज हो जाता है। और लेटर स्टेजेस में अगर आपको फीवर होता है तो वो भी 22 से 25% तक रिस्क होता है महिलाओं को प्रेगनेंसी लॉस का। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब मॉम चैनल में। मैं हूँ प्रेरणा और आज प्रेगनेंसी केयर से संबंधित एक विशेष जानकारी को हम जानेंगे, जिसमें आप अपनी केयर करके बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलों से बच सकती हैं और अपने गर्भ में पल रहे शिशु का भी अच्छे से ख्याल रख सकती हैं। अक्सर होता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती 3 महीनों में महिला को फीवर आता है। फीवर कभी भी आ सकता है, बाकी के दूसरे तिमाही में, तीसरे तिमाही में भी आ सकता है, लेकिन पहली तिमाही सेंसिटिव होती है, थोड़ी ज़्यादा नाजुक कंडीशन होती है उस समय। तो प्रेगनेंसी में अगर आपको फीवर आता है तो उसका आप पे तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आपका तो शरीर में कमज़ोरी आती ही आती है, लेकिन शिशु पे जो कि गर्भ में पल रहा है उस पे भी नेगेटिव इफेक्ट हो सकता है। लेकिन कब, कैसे और क्या, ये हम आगे वीडियो में जानने वाले हैं। अगर आप YouTube मॉम को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आप और हम रोज़ मिल सकें। प्रेगनेंसी में फीवर होने के कई कारण होते हैं, जैसे कि सामान्य अवस्था में होने पे हो सकते हैं, कोल्ड एंड कफ हो सकता है, फ्लू हो सकता है, वायरल हो सकता है, टॉन्सिल हो सकता है, बहुत ज़्यादा पानी की कमी शरीर में या डायरिया की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन या निमोनिया होने की वजह से भी हो सकता है। लेकिन अगर आपका बुखार 102 डिग्री से ऊपर चला जाता है और वो भी अगर पहली तिमाही में ऐसा आपको होता है, तो ऐसी कंडीशन में बच्चे में ऑटिज्म की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ये एक डिफेक्ट है, ये कमी है बच्चे के अंदर आ सकती है। इसके अलावा बच्चे के हार्ट के डेवलपमेंट में और जबड़े, जो जॉ का डेवलपमेंट होता है उसमें, हार्ट और जॉ के डेवलपमेंट में भी बाधा आ सकती है, रुकावट आ सकती है, किसी तरह का डिफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स का भी खतरा रहता है। स्पेशली फर्स्ट ट्रिमेस्टर में आंकड़े बताते हैं कि 20% प्रेगनेंसीज फीवर की वजह से खत्म हो जाती है, उनको मिसकैरेज हो जाता है। और लेटर स्टेजेस में अगर आपको फीवर होता है तो वो भी 22 से 25% तक रिस्क होता है महिलाओं को प्रेगनेंसी लॉस का। तो अब इस बुखार का करें क्या, किसी महिला को अगर बुखार आ जाता है तो बचें कैसे, आप समय रहते अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बुखार से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप हाइजीन रखिए, आप हाथों को बार बार धोइए, अपना हाइजीन आप ही मेंटेन कर सकती हैं। दूसरा, कोई भी व्यक्ति अगर बीमार है, चाहे घर में है या फिर कोई गेस्ट आ रहा है, तो आप उससे दूरी बना के रखिए। तीसरी चीज़, इन्फेक्शन से अगर बचना है तो अपने खान पान में बहुत ज़्यादा सावधानी रखिए, क्योंकि 99% इन्फेक्शन और बीमारियाँ हम खाने से ले आते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में कई बार महिलाओं को क्रेविंग होती है और फास्ट फूड, स्ट्रीट फूड, कई चीज़ें मंगा के खाती हैं। कई बार आप बाहर से शेक मंगाते हैं, पाश्चराइज्ड मिल्क से नहीं बना होता, आप उसको लेते हैं, आपको इन्फेक्शन होता है, फीवर होता है और बच्चे तक डिफेक्ट पहुंचने का खतरा हो सकता है। तो आप अपने खान पान और जीवनचर्या को ठीक कर लें, हाइजीन रखें, हाथ साफ करें बार बार, तो आपको इन्फेक्शन और बुखार का खतरा ही बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको बुखार आता है, हल्का बुखार है, तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल मत घबराइए। चिंता आपको तब करनी है जब बुखार ज़्यादा हो, और ध्यान रखें अगर आपको बुखार होता है तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है, खुद से कोई भी दवाई नहीं लेनी है बार बार। जो महिला ऐसा करती हैं उनके बच्चे के हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कई केसेस में देखा गया है। ये जो महिला चुपचाप घर में बुखार आने पे चुपचाप पैरासिटामोल वगैरह ले लिया करती थी, उनको ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, हार्ट में डिफेक्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप गर्भधारण से पहले से ही फॉलिक एसिड लेती आ रही हैं और आपकी 450 या 400 mg की डोजेस रेगुलर चल रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको बुखार आ भी जाता है तो आपके बच्चे में डिफेक्ट आने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि फॉलिक एसिड कितना महत्वपूर्ण है प्रेगनेंसी में। तो अगर आप अभी भी फॉलिक एसिड का सेवन नहीं कर रही हैं और आप प्रेग्नेंट हैं, तो जल्दी ही अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से मिलिए, फॉलिक एसिड के बारे में सलाह लीजिए और उसका सेवन शुरू कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में फीवर होना खतरे का निशान ज़रूर होता है, लेकिन 102 डिग्री से ज़्यादा होने पर, लेकिन खतरा आपको तब और भी कम हो जाता है अगर आप नियमित फॉलिक एसिड का सेवन कर रही हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हाइजीन नहीं रखना है, आपको हाइजीन रखना है और अपनी और अपने गर्भ में पल रहे शिशु के बचाव के लिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस तरीके से अपनी केयर करेंगी और अपनी प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से खुशी खुशी इंजॉय करेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।